आज हम पढ़ेंगे 20 मार्क की करंट अफेयर। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, केवल आपके 8 पॉइंट मिले हैं, उन्हें ध्यान से देखना और इसी में आपके कुछ करंट के पॉइंट भी मिल जाएंगे। लगभग आपको 40 या 50 पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग बंद चल रही है, तो छात्रों की मांग थी, इसके कारण मुझे थोड़ा वीडियो बनानी पड़ी और इसके मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिले। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखें और उसे लाइक कर दें, ठीक है। पहला पॉइंट है कि महिला T20 विश्व कप किसने जीता, तो ये जो था ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। और किसे हराया है? भारत को हराया है, ठीक है। एक पॉइंट तो क्लियर होता है। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये महिला T20 वर्ल्ड कप जो था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता है भारत को हरा के। और इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगला यानी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होगा, तो ये आपका जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। अगर मैं ये बात कर लूँ कि पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2020 का कहाँ होगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मुझे लगेगा हो जाएगा क्योंकि फिलहाल में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण। अगला पॉइंट देख लीजिए, पोषण अभियान कार्यक्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो इसमें रहा है आपका तमिलनाडु। तो पोषण अभियान जो है इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। अब बात यह आती है कि पोषण अभियान शुरू कब हुआ था, तो ये पोषण अभियान जो शुरू हुआ था ये 2018 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू जो नामक स्थान है वहां से शुरू हुआ था पोषण अभियान। अब तमिलनाडु राज्य की बात कर लें तो चलिए क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि मैंने क्लास में पढ़ाया होगा कि तमिलनाडु की एक हल्दी है जिसे GI टैग दिया गया, तो उसका नाम क्या है? 5 सेकंड दे रहा हूं। तो तमिलनाडु की जो हल्दी है इसका नाम था इरोम हल्दी। कहां की है? तमिलनाडु की। इसको GI टैग दिया गया था, तो इरोम हल्दी कहां की? तमिलनाडु की। दो हल्दी और है, एक आपकी कंधमाल हल्दी जो कहां की है? उड़ीसा की। उसको GI टैग दिया गया था। एक हल्दी जो है संगोली हल्दी है वो कहाँ की है? वो आपकी महाराष्ट्र की, जिसको GI टैग दिया गया था। तो ये तीन हल्दियां ध्यान रखना, इरोम तमिलनाडु की और कंधमाल आपकी उड़ीसा की और संगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। उसके बाद अगर बात मैं करूँ कि तमिलनाडु के क्वेश्चन में और पूछ रहा हूँ करंट का बना है कि तमिलनाडु राज्य में किस स्थान पर भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र खोला गया? 5 सेकंड। तो ये खुला गया आपका कुलशेखरापट्टनम में खुला गया, तमिलनाडु में भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्चर केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि असम राज्य की सरकार ने किस एथलीट को DSP नियुक्त किया, DSP नियुक्त किया, तो इसका आंसर है हिमा दास। क्या नाम है? हिमा दास। तो हिमा दास जो है प्रॉपर असम की है और इन्हें असम सरकार ने DSP नियुक्त किया है अपने राज्य में, और इनका एक उपनाम भी अभी बताएगा, इन्हें डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। डींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हिमा दास को। चलो कमेंट में बताना, ये बताओ मुझे कि पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, कमेंट में लिख देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, तो ये राज्य आपका है इटली। कौन सा है? इटली में सबसे अधिक, सॉरी देश में, कौन से देश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, तो ये किसमें हुई हैं? इटली में हुई हैं। और कोरोना वायरस जो है इसको जो नाम दिया गया वो नाम क्या दिया गया? COVID-19। क्या नाम दिया गया? COVID-19। उसके अलावा अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं तो अगर ये पूछा है इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन। और चीन के किस शहर से हुई थी? वुहान शहर से। किससे हुई थी? वुहान शहर से हुई थी। उसके अलावा इसमें 2-3 पॉइंट और बनते हैं, किसमें? कोरोना वायरस में, कि कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण फैलाता है, किसमें? तो ये संक्रमण फैलाता है फेफड़ों में। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ये है किस प्रकार का वायरस, RNA वायरस या DNA वायरस, तो ये आपका कोरोना वायरस जो है वो किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस। अगला पॉइंट देखना, मध्य प्रदेश के किन दो स्थानों के बीच राम वन गमन पथ के निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो इसमें दो स्थान जोड़े जाएंगे, एक आपका है चित्रकूट और दूसरा है अमरकंटक। तो चित्रकूट जो है, चित्रकूट को अमरकंटक से जोड़ा जाएगा राम वन गमन पथ, किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये जो अमरकंटक है, ये क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि अमरकंटक जो स्थान है ये किन पहाड़ियों में पड़ता है, किन पहाड़ियों में?
ये आपका मैं आंसर दे दे रहा हूँ, ये पड़ता है आपका, इसका नाम है मैकाल की पहाड़ियाँ, मैकाल। तो मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है अमरकंटक। और अगर ये पूछा है कि मैकाल की पहाड़ियाँ किन पर्वतों का हिस्सा है, तो ये हिस्सा किसका पड़ती है, ये आपकी पड़ती है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है कौन सी, मैकाल पहाड़ियाँ। और एक पहाड़ियाँ और सुनी होंगी आपने, महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। चलो एक दो क्वेश्चन मुझे आंसर में दे देना, इसमें कमेंट में लिख देना कि अमरकंटक के पास से तीन नदियां निकलती हैं, दो का नाम मैं बता दे रहा हूं, नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है, दूसरी नदी आपकी सोन नदी है जो उत्तर की ओर चली जाती है, तीसरी नदी कौन सी है जो अमरकंटक के पूरब से निकलती है, पूरब की ओर बहती है, उस तीसरी नदी का नाम आप मुझे बताना कमेंट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसमें आ जाता है आपका गुजरात। पहले भी गुजरात था, इस बार भी गुजरात है, सोलर पैनल लगाने के मामले में छतों पर कौन सा है, गुजरात। और गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम बना है, और उसका जो नया नाम है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। चलिए क्वेश्चन बताओ मुझे, गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम बनाया गया था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है, इसे कमेंट में लिख देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन किस शहर में होगा, तो इसका आयोजन जो होगा ये लद्दाख के किस में होगा, लेह में होगा। कहाँ होगा, लेह में होगा। किसका, छठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन कहाँ होगा, लेह में। चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि जो योग है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले बार कौन से वर्ष हुई थी, कमेंट में लिख देना, आंसर जो है मैं अगली बार दे दूंगा, ठीक है ना। तो किस वर्ष हुई थी, एक और चीज ध्यान रखना कि लेह और कारगिल ये दो जिले किसके हैं, लद्दाख के, तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो और ये पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला के आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक और बता दूंगा, लद्दाख में दो त्योहार मनाए जाते हैं, एक आपका मनाया जाता है हेमिस, कौन सा है, हेमिस, और एक है नरोपा। तो ये दो त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, हेमिस पर्व और नरोपा त्योहार मनाए जाते हैं लद्दाख में, और नरोपा त्योहार को लद्दाख का कुंभ भी कहा जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि योग जो दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 में कहाँ मनाया गया था, मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका रांची में। ये 8 पॉइंट थे, इससे संबंध में मैंने खुद जीके के पॉइंट भी कराई है, मेरी पहले भी पहली वीडियो है, थोड़ा हेजिटेशन भी हो रही है, लेकिन क्लास में पढ़ाना थोड़ा आसान होता है मेरे लिए, लेकिन चलो वो भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो आगे मेरा मतलब मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आगे वीडियो बना सकूँ। इसके बाद में अगली वीडियो, नमस्कार।